सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक प्लस ज्ञान चैनल। दोस्तों आज की न्यू वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत क्लियर करने वाला हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों आज मैं पूरा आपको कॉपीराइट के बारे में पूरा फुल डिटेल दूंगा। तो अगर आप यूट्यूबर है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कॉपीराइट आखिर क्या है, इसका माजरा क्या है उसका। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 31 जनवरी को दोस्तों मेरा चैनल का सेलिब्रेशन है। हाँ दोस्तों, मैंने जब अपना चैनल क्रिएट किया था तो 31 जनवरी था। तो गाइस उस दिन मेरा चैनल का सेलिब्रेशन है, तो उस दिन मैं दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए मोटिवेशनल। तो उस वीडियो को इंतजार करना। दोस्तों ने कॉपीराइट को तीन भागों में बांटना है, मतलब एक प्रकार से थ्री टाइप्स होता है कॉपीराइट। तो पहला टाइप है दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक। तो कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है दोस्तों, जैसे मैंने अपना वीडियो कोई डाला है, जैसे मैं वीडियो डाला हूँ और मैं अपना फ़ोटो है या मैं अपना म्यूजिक बनाता हूँ, अगर उसे कोई कॉपी करता है मेरे चैनल से तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। अगर जैसे मेरे बिना परमिशन के वो मेरे वीडियो को या फिर मेरे फ़ोटो को या मेरे सॉन्ग को यूज़ किया है मेरे विदाउट परमिशन के, तो मैं दोस्तों उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। एक प्रकार से दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक को मैं एक एक्सप्लेन से बताऊँ तो इसे दोस्तों तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है। सेम वैसे ही है गाइस, वही है गाइस इस एक प्रकार से कि जैसे गाइस यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में मैंने बहुत एक्सप्लेन में वीडियो बनाया हूँ। यहाँ पर थंबनेल देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन में मैं दे दूंगा, दोस्तों देख लें, बहुत एक्सप्लेन से बनाया हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है आपके चैनल पर। तो ये स्ट्राइक क्या होता है, अगर आपके चैनल में एक स्ट्राइक आ गया, अगर मेरा तीन स्ट्राइक आ गया तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मतलब यूट्यूब मेरा चैनल को डिलीट कर देगा। तो जैसे मेरा पहला स्ट्राइक आया दोस्तों, और इसी मंथ में अगर मेरा दूसरा स्ट्राइक आता है और जस्ट तीसरा भी स्ट्राइक आ जाता है तो यूट्यूब मेरे चैनल को टर्मिनेट कर देगा, मतलब पूरा डिलीट कर देगा। तीन स्ट्राइक आता है दोस्तों यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट कर देता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने से आपके चैनल दोस्तों, अगर एक स्ट्राइक आता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तीन मंथ तक आपके चैनल पर बना रहेगा, उसके बाद वो डिलीट ऑटोमेटिक हट जाएगा दोस्तों, यूट्यूब हटा देगा। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक गाइस, कॉपीराइट स्ट्राइक को दोस्तों आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की तरह ही समझ सकते हो, क्योंकि सेम वही है गाइस, जैसे आप प्रभाव पड़ते हैं। अब आता है गाइस दूसरा नंबर पर, तो दोस्तों दूसरा नंबर होता है कॉपीराइट। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम आने पर आपको चैनल इफेक्ट नहीं पड़ेगा गाइस। कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है आपको बता दूं, कि जैसे आप यूट्यूब पर कोई म्यूजिक का जैसे अपने चैनल पर यूज़ करते हो पूरा उसके म्यूजिक को, तो कॉपीराइट क्लेम मतलब उसके म्यूजिक को, उसके फोटो या वीडियो को आपने, ये म्यूजिक को आपने यूज़ किया है ये देगा। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम पर आपको चार पर कोई फेंक नहीं पड़ेगा। हाँ एक में प्रभाव पड़ता है, वो है आपके मोनेटाइजेशन में, तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, मतलब उस चैनल से जितना भी अर्निंग होगा तो वो सारा जिसका जिसका चैनल म्यूजिक का आप यूज़ किया है वो उसको इनकम होगा। तो कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपका जितना अर्निंग होगा वो जो उसका म्यूजिक यूज़ किया है उसके में चला जाएगा। नंबर पर आता है मोनेटाइजेशन सेल। मोनेटाइजेशन सेल जैसे कि फिर अपना खुद का कंटेंट, कोई नया सॉन्ग बनाया मैं, अब उस सॉन्ग को मैंने अपने तरीके से बीट बना के अपने तरीके से डाला हूँ, तो जैसे आप भी सेम मेरे तरह कॉपी करते हो मेरे सॉन्ग को, आप भी गाते हो अपने तरीके से और अपने बीट से बनाते हो, ठीक, तो मैं आपको क्या देख सकता हूँ, मोनेटाइजेशन सेल का एक दे सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि एक पार्टनरशिप हो जाता है। जैसे कि मेरा सॉन्ग को आपने यूज़ किया क्योंकि उस सॉन्ग को मैंने बनाया था, तो आपने भी बनाया है, तो मैं आपको मोनेटाइजेशन सेल का दे दूंगा स्ट्राइक, 50-50 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब 50% जितना भी अर्निंग होगा उस सॉन्ग से 50% मेरे को देना पड़ेगा, 50% अपना खुद रखना पड़ेगा। तो ये मोनेटाइजेशन सेल। आई होप कि दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कॉपीराइट का माजरा क्या होता है। दोस्तों मैं वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर कई लोगों ने पूछता है कि कॉपीराइट क्या, कॉपीराइट स्ट्राइक को पूरा क्लियर बता दिया हूँ एग्जैक्ट। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का, और आज का आपको कुछ राय होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस।